हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी धूमधाम से दिवाली मनाई गई और दिवाली के दूसरे दिन जिस तरीके से अखबारों में सुर्खियां बनी कि यहाँ पर ये ऐसे मनाया गया, यहाँ पर ये मनाया गया, तो अब उसको लेकर भी किस तरीके से सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि जब सवाल महंगाई पर पूछा जाता है, जब सवाल बेरोजगारी पर पूछा जाता है, तो कैसे पूरी की पूरी मीडिया जो है वो मौन व्रत रख लेती है, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, कोई भी जवाब इनके नहीं होता है और ना ही इतनी हिम्मत होती है कि ये जो है सवाल सत्ताधारी पार्टी से कर सके। लेकिन जैसे ही गुणगान करने की बारी आती है, वैसे ही ये लोग एक के बाद एक अव्वल दर्जे के निकल कर सामने आते हैं कि हम सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो दावेदारी करेंगे कि हम सबसे ज्यादा अच्छाई कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा गुणगान कर रहे हैं, हम पहले नंबर का अवार्ड लेकर रहेंगे, हम दूसरे का लेकर के रहेंगे, ऐसी होड़ मची रहती है। लेकिन जिस तरह से सुर्खियां अखबार में बनी, देव दीपावली मनाई गई, इतने लाख दिए जलाए गए, इतने लाख लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए, लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या है और किस तरह से इस पर सवाल उठाए गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से, और उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से किस तरह मोदी जी को यानी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है वो आपको बताते हैं। दरअसल सीधा सीधा रवीश कुमार जी की पोस्ट पर ही चल लेते हैं और वही पोस्ट हम आपको पढ़ के बताएंगे जो पोस्ट उनकी तरफ से लिखी गई है और किस तरह से सवाल खड़े किए गए हैं। शुरुआत करते हैं जिसमें लिखा हुआ है शुरुआत में ही कि आर्थिक सवालों से बचने के लिए धार्मिक गौरव की शरण में मोदी, ये उन्होंने जो है शुरुआत का टैगलाइन दिया है। इससे आप साफ तौर पर समझ जाएंगे कि आर्थिक सवालों से बचने के लिए धार्मिक गौरव की शरण में मोदी जी, ये उन्होंने लिखा है कि जो आर्थिक सवाल हैं उन पर किसी भी तरह से कोई भी लोग उनसे सवाल ना कर सकें, रुपया क्यों गिर रहा है, क्यों इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है, इन सारे सवालों से बचने के लिए जो धार्मिक गौरव की शरण है अब उसको ले लिया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, कम सैलरी की नौकरी, ज्यादा घंटे के काम, संविदा की नौकरी, पुरानी पेंशन, ये सब आर्थिक मुद्दों की श्रेणी में आते हैं। ये सही है कि किसी भी चुनाव में इन आर्थिक मुद्दों की निर्णायक भूमिका अब नहीं रही है, मगर इनका असर दिखने लगा है, ये लिखा गया है। आगे लिखा गया है राजस्थान और ओडिशा में कई हजार संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की की गई है। यही नहीं, राजस्थान सरकार ने कहा है कि संविदा की बहाली नहीं होगी। आर्थिक मुद्दों की राजनीति का यह सबसे अच्छा नतीजा है। इन मुद्दों पर जितनी राजनीति होगी जनता का जीवन उतना ही बेहतर होगा। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लौट आई है, अब गुजरात और हिमाचल में इनकी वापसी की मांग हो रही है। प्रधानमंत्री भी नौकरी की बात करने लगे हैं। हाल ही में 75,000 नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं और यह साफ तौर पर दिखाता है कि अब धार्मिक मुद्दों से काम नहीं चलने वाला है। धार्मिक मुद्दों के अलावा आपको रोजगार, नौकरी और इसके अलावा महंगाई पर भी बात करनी पड़ेगी और हालिया के भाषणों में ये सारी चीजें नजर आती हैं। जनता देख सकती है कि इन मुद्दों को लेकर आवाज उठाने से कितना फायदा हुआ है। जिस तरह से जीवन आर्थिक अनिश्चितताओं से घिरा है, उसे देखकर लगता है कि आर्थिक मुद्दों की ही प्रधानता होनी चाहिए। मेरे पास इसका सटीक आकलन नहीं है कि इन मुद्दों की बदौलत किस राज्य में चुनाव जीता गया और हारा गया, इनकी क्या भूमिका रही, क्या लोग इन्हें किनारे लगाकर आस्था और धर्म के गौरव से जुड़े मुद्दे पर वोट देते रहे हैं और देंगे। इन सवालों के उत्तर हाँ में आते हैं, फिर भी ठोस अध्ययन होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी विरासत के नाम पर धर्म और आस्था की राजनीति करने लगे हैं। उन्हें पता है कि अगले 2 साल में आर्थिक तौर पर करने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। इस मामले में नारेबाजी तो होगी, मगर ठोक नतीजे नहीं नजर आएंगे। ये लिखा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो खूब होगी, खूब नारेबाजी होगी, लेकिन ठोस जो नतीजे हैं वो नजर नहीं आएंगे। जनता महंगाई और बेरोजगारी और कम से कम सैलरी की नौकरी के जाल में फंसकर छटपटा रही है। इसमें बदलाव का समय और अवसर नहीं है। ना मोदी के पास कोई आर्थिक उपाय है। इससे पहले कि लोग सवाल पूछें, नरेंद्र मोदी सवाल ही बदलने में लगे हुए हैं। वो मंदिर परिसरों के उत्थान की राजनीति का खेल सेट कर रहे हैं ताकि उदास और गरीब जनता को बता सके कि कुछ तो कर रहे हैं। ये काम किसी ने नहीं किया, मगर वो जरूर कर रहे हैं। जैसे गांव में कहते हैं कि जाने दीजिए, पढ़ाई में ठीक नहीं है तो क्या हुआ, घर का सारा
हमारा काम ठीक से करता है ना। ठीक इसी तरह से मूल प्रश्नों से बचने के लिए प्रधानमंत्री ये भंगिमा अपना रहे हैं कि वो पूजा में व्यस्त हैं। यानी ये सवाल जो है पत्रकार रमेश कुमार की तरफ से उठाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक आरोप लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से हालिया दिनों में ये सारे आंकड़े निकल कर सामने आए हैं कि कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी यहां तो कभी वहां, सारी जगहों पर जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि मोदी जी कुछ ना सही कुछ तो कर रहे हैं। कम से कम नौकरी और बेरोजगारी पर बात करने से बच रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंदिरों का कायाकल्प तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों का कायाकल्प कर लेने से, मंदिरों के नाम का लॉलीपॉप थमा देने से रोजगार नहीं मिलने वाला है, ना ही महंगाई कम होने वाली है। अगर इन सारे मुद्दों पर सवाल करने हैं तो आपको उसी सत्ताधारी पार्टी से करने होंगे जिस सत्ताधारी पार्टी ने आप लोगों को धर्म का ये लॉलीपॉप दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रमुख मंदिर स्थानों में पहले से इंतजाम नहीं है, कई सारे ऐसे परिसर व्यवस्थित और सुसज्जित होते ही हैं। हमें ये जानना चाहिए कि सरकार ने जो इन परिसरों में विकास के काम कराए हैं, क्या इसके लिए उन मंदिर संस्थानों के पास पैसे नहीं थे? उनकी तरफ से की जाने वाली सजावट और देखरेख में ऐसी क्या कमी थी कि इनमें मामूली जोड़ घटाव कर कॉरिडोर का नाम दे दिया गया, इसलिए कि यहां आने जाने वालों को लगे कि वाह मोदी जी आपने तो चमका दिया है। इन परिसरों के पास करोड़ों रुपए का फंड होता है जिससे वो परिसर की व्यवस्था करते ही हैं। अब सरकार भी इन मंदिर परिसरों के विकास पर कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ये काम तेज गति से पूरा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां जाकर कहने लगे हैं कि वो हीन भावना दूर कर रहे हैं, कुछ दिन में लोग मान भी लेंगे कि वो हीन भावना के शिकार थे। मंदिर जाने में शर्म आती थी, मोदी जी के कारण गौरव हुआ है। कोई ये नहीं पूछेगा कि हर धार्मिक उत्सव में करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं, स्थानीय मंदिरों में लाखों लोग आते ही रहे हैं, उनमें हीन भावना कब थी? मगर मोदी जी बार-बार बोलकर भर देंगे कि उनमें पहले हीन भावना थी और अब वो मोदी जी के कारण दूर हो गई है। यही नहीं, इस पर भी जोर दिया जाएगा कि विरासत के विकास के बाद लाखों दर्शन किए जाने लगे हैं, जैसे पहले लाखों लोग नहीं जाया करते थे। जो व्यक्ति कई साल से नियमित दर्शन परिक्रमा करता है वो भी मान लेगा कि मोदी जी के बाद से ही अब करने लगा है। गोदी मीडिया को सरकार और बाजार से करोड़ रुपए के विज्ञापन मिलते हैं क्योंकि इसे करोड़ों लोग देखते हैं। इसी तरह धार्मिक स्थानों में करोड़ों लोग आते ही हैं, तो ये जगह प्रचार के काम आ सकती है। बिल्कुल सही फरमाया, विरासत के विकास के नाम पर प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी मंदिर यात्रा को कई कैमरों से दिखाया जाता है, गोदी मीडिया भी जुट जाता है, अखबारों में विज्ञापन छपते हैं, उससे साफ है कि इरादा राजनीतिक ही है। ऐसा लगता है कि इस देश में पूजा करना केवल इन्हीं को आता है। जो काम हर नागरिक का सामान्य धार्मिक कर्म है, उसे विशेष बनाकर राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, मगर धार्मिक उत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जल्द ही ये एक होड़ में बदलने जा रहा है, जिसके कारण और भी पैसा बहाया जाएगा। हर दल के नेता अपना मूल काम नहीं करेंगे, मंदिर मंदिर घूमते रहेंगे, बस इसलिए कि आस्था का मामला जानकर कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन एक हद तक ही, एक वक्त तक ही, एक लिमिट तक ही लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। कभी ना कभी उनकी भी आंखें खुलेंगी, उनकी भी आंखों से धर्म के नाम का पर्दा हटेगा और उनको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो चल रहा था ये हकीकत नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ वो दिखाया गया जो दिखाया जाना चाहिए था आपको। लेकिन वास्तव में जिन चीजों को आपसे सवाल करने चाहिए थे, जिन लोगों पर आपको सवाल उठाने चाहिए थे, जिनसे आपको पूछना चाहिए था, उनसे कभी आपने कुछ पूछा ही नहीं। और ऐसा ही करते वक्त गुजरता चला जाएगा और ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये और अपने चरम पर पहुंचती चली जाएगी। विपक्षी दल भी विरासत के विकास की राजनीति को लेकर सवाल नहीं करेंगे, उन्हें डर है कि ऐसा करने पर जनता उन्हें धर्म विरोधी समझ बैठेगी। इन सवालों से बचकर भी विपक्षी दलों को कोई फायदा नहीं होगा। ये जान लेना चाहिए कि 2024 का चुनाव भी 2019 की तरह भावुक मुद्दे पर होगा, क्योंकि भावुकता ही सवालों से पीछा छुड़ा सकती है। विपक्ष को इन मुद्दों पर अपना मत रखना ही होगा, क्योंकि मंदिरों के विकास को लेकर मोदी आक्रामक होते जाएंगे। उनके पास 10 साल के काम का हिसाब देने से बचने का यही कारगर रास्ता बचा है। लोगों के लिए अधिक से अधिक घंटे के काम और कम से कम सैलरी की नौकरी का अवसर बनाओ और उन्हें इस हाल पर छोड़ दो कि 80 करोड़ लोग दो वक्त का अनाज ही ना दे पाए, ना खरीद पाए। लोग जब घर लौटकर अपने हालात से करा रहे हों, तो उन्हें मंदिर का दर्शन कराओ और वोट पाओ। विपक्षी दलों को जनता के बीच इन मुद्दों पर
काउंटर देना चाहिए कि इस देश में हिंदू होने या मंदिर जाने को लेकर किसे हीन भावना थी। क्या लाखों लोग हीन भावना से मंदिर में जा रहे थे? उन्हें मंदिर और आस्था को लेकर जनता से बात करने की भाषा सीखनी होगी, जनता के बीच बोलने का जोखिम उठाना होगा कि विरासत का विकास कुछ नहीं बल्कि बेहद कम काम में जनता को भरमाने और भटकाने का नया एजेंडा है। ये जो सारे सवाल हैं, ये जो पूरा आर्टिकल है वो रविश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा हुआ है और सवाल उठाया है कि जब इनकी सत्ता नहीं रहेगी तो इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, क्योंकि लोगों के सामने वो मंदिर होंगे, वो धार्मिक मुद्दे होंगे जिनको हमेशा उनकी नजरों में हाईलाइट किया गया, और कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा कि आपने 8 सालों में क्या किया, आपने 9 सालों में क्या किया। सबके सामने यही होगा कि अभी तक हम मंदिर हीन भावना के साथ जा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने हमें गौरव के साथ मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरी पोस्ट को लेकर और इस तरह के सवालों पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।